अगर रोल मेरे साथ खड़े हैं जो अभी सीएम हाउस में ज्ञापन दिया है, अगर आप सीएम हाउस में गए आपने ज्ञापन दिया, हम सीएम हाउस में गए तो हम सीएम साथ के विशेष सचिव देवाराम जी से भी मिले और ललित जी से भी मिले, लेकिन वही बात जो हर बार हर हमेशा जो सुनने में आई है तो भाई आपका प्रक्रिया चलिए सकारात्मक रूप से हम आपका काम करेंगे, लेकिन 2013 से लेकर 2019 आ गया उसे सकारात्मक क्षण का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि संवेदनशील सरकार की जाती है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है पर हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हम मीडिया के माध्यम से मीडिया से निवेदन करते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं जो वाजिब बात है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिन फाइलों पर जिन भर्तियों पर मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय कर दिया उन निर्णयों के बाद भी अधिकारियों ने उन निर्णयों को लागू नहीं किया। अब मीडिया के माध्यम से क्या कहना, हम सीएम साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी भर्तियां 2013 में पिछले कांग्रेस शासन में की गई थी, उनमें सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हमारे पक्ष में हो गया, उसके बाद भी पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ राज्यों की व्यवस्था वसूल भर्तियों को पूरा नहीं किया। इस सरकार के आने के बाद समस्त राजस्थान के संविदा कर्मी युवाओं के मन में वापस ये भावना जागी कि ये सरकार तुरंत हमारी सुनेगी, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव से पूर्व मार्च में डीसी भर्ती के ऑर्डर जारी कर दिए, एसएसआर भर्ती जिसको विड्रोल कर लिया था उसको पुनर्बहाल करने हेतु अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया, एलडीसी भर्ती के कैलेंडर जारी हो गया, एसएसआर भर्ती के पुनर्बहाल लिख के पत्रावली चल गई, लेकिन चुनाव निकलने के बाद दोनों चीज़ें वापस डंप हो गई है। तो हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो घोषणाएं जो निर्णय आपने कर लिए उन निर्णयों को लागू किया जाए। इस मामले में मंत्री महोदय से भी मिलेगी, माननीय मंत्री महोदय से भी लगातार मिले और आज हम सारे लोग सुबह भी मंत्री महोदय से मिले, मंत्री महोदय ने कहा कि वित्त मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो इसमें जो निर्णय होना विभाग की तरफ से हमने पॉजिटिव निर्णय कर दिया, लेकिन चूंकि फाइनेंस का मामला है तो फाइनेंस का मामला मुख्यमंत्री स्तर से निर्णय हो सकता है, इसके रिगार्डिंग मैं भी बात करूंगा और आप लोग भी मुख्यमंत्री से मिलो। उनके इस संदेश के बाद हम यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, ललित जी से मिले, देवाराम जी से मिले, उन्होंने हमें कहा कि भाई आपकी बात पूछा दी गई है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर सीएम साहब आपको टाइम दे तो हम आप मुलाकात करा देंगे। तो आपने मुख्यमंत्री जी से कुछ टाइम दिया? बिल्कुल टाइम डेली उनको नोट करा रहे हैं और आज स्पेशल उनको ये कहा है कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता करा दीजिए, अगर मुख्यमंत्री जी निर्णय कर देंगे जो निर्णय करेंगे वो हमें स्वीकार्य है, लेकिन इस गर्मी में परेशान हो रहे हैं सेलेक्टेड युवा, 6 साल से दर्द ठोकरे खा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, न्याय हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि न्याय हित में संविधान के पक्ष में निर्णय करते हुए हम लोगों की भर्तियां शुरू करें। आपने अधिकारियों से मुलाकात हुई? आपकी लगातार अधिकारियों से रोज मिलना हो रहा, लेकिन अधिकारी कुछ भी वही अधिकारी जो पिछले शासन काल में भी थे पंचायती राज में वही आज बैठे हुए हैं, उनका व्यू जो पहले का दृष्टिकोण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आज यहाँ पर जयपुर में कब से थे? आज जयपुर में हम लोग इतनी संख्या में तो आज ही आए हैं, बाकी हमारे स्टेट डेलीगेशन वाटर सेट के साथी और ये हमारे प्रेशर साथी लगातार हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या में आज ही आए हैं। आज हमने निर्णय लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे तब तक हम मीडिया हाउसों पे जाएंगे, एक एक मीडिया हाउस में हमारी बात रखेंगे और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे तब हम जयपुर से छोड़ेंगे। मेरे साथ खड़े हैं प्रदेश अशोक कुमार वैष्णो जी जिन्होंने अपनी अभी सीएम हाउस में जाकर अपना डिक्लेरेशन दिया, लेकिन वहाँ सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। जयपुर प्रदेश न्यूज आसिफ पठान जी आपको सुन लो।